दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK जैन। के संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है, बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर SK जैन बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल, जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर SK जैन के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। मैं हूं आपका होस्ट असलम रजा आबिदी। दोस्तों, रिश्ते प्यार के, रिश्ते समझदारी के, रिश्ते पीढ़ियों के बड़े शुभ होते हैं, लेकिन अगर इनमें गलत सोच और अपराध पनपे तो पूरा समाज दूषित हो जाता है। आज समाज को जरूरत है एजुकेशन की, क्योंकि किसी भी समाज की तरक्की के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और जब बात आती है सेक्स एजुकेशन की, तो हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हमें आज भी आपके बहुत सारे लेटर और बहुत सारे ईमेल मिले हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर SK जैन साहब से, जो कि एक वर्ल्ड फेमस साइको सेक्सोलॉजिस्ट है। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहते, उमंगे और जरूरतें उसके साथ चली है। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर SK जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर SK जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व है। आप मानव समाज के लिए एक वरदान है। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। तो आइए स्वागत करते हैं वर्ल्ड फेम साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन साहब का। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत सेक्स एजुकेशन एंड योर करियर के एक नए एपिसोड में। यो वेलकम डॉक्टर। हमने बात कर रहे थे कि जिस तरह से समाज में सेक्स के आजकल मायने बदल रहे हैं, उसमें आप किस तरह देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो नौजवान हैं हमारे वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या राय देंगे? इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि निगेटिव सोच आदमी को हमेशा पतन की ओर ले जाती है, और यदि आपकी पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक है, तो वो हमेशा प्रगति की ओर ले जाती है। और नकारात्मक सोच जब ही होगी जबकि आपके पास में किसी भी शिक्षा का अभाव होगा,
मींस एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी. यदि आपके पास एजुकेशन है तो व्हाई यू थिंक अपोजिट वर्ड्स, गो इन ए पॉजिटिव वे, सकारात्मक सोचिए, आगे बढ़िए और हमेशा अच्छी जो उनके पहलू हैं उनको मतलब सिलेक्ट कीजिए, उनको चुनिए और जीवन में बगैर पीछे मुड़े हुए आगे बढ़ते जाइए. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. तो चलिए इसी बात पर आज का सवाल लेते हैं. पहला ईमेल डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि मैं 25 वर्षीय युवती हूँ जी. मेरे माता पिता ने कम उम्र में ही मेरा विवाह कर दिया था और विवाह के 3 माह बाद ही मेरे पति का स्वर्गवास हो गया. अब मैंने अपने पति की शक्ल भी नहीं देखी और शादीशुदा युवतियों को देखकर मेरा मन भी विवाह करने का होता है। परंतु माता पिता ऐसा करने में पाप समझते हैं, क्या करूं बताएं? देखिए ये जो पुरानी मतलब रूढ़ियां हैं बहुत सारे आज भी उसी पुरानी रूढ़िवादी विचारों में जी रहे हैं. नॉट लाइक दैट. आज का युग आगे बढ़ रहा है. कहा जाता है कि परिवर्तन संसारे, ये संसार जो है वो परिवर्तनशील है, गतिशील है. लिहाजा मैं उनके पेरेंट्स को ये बात कहना चाहूंगा, आपको ये सलाह दूंगा कि अपने पेरेंट्स को समझाइए. यदि बाई में कोई दिक्कत है आप मुझे ये ड्यूटी दीजिए, मैं आपके पेरेंट्स को समझाऊंगा. आप यहां से अगर उनके पेरेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं. मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि पुरानी विचारों को, पुरानी रूढ़वादी संस्कारों को हटाइए और बच्चों को खुले आकाश में उड़ने का मौका दीजिए. और यदि जिसने अपने मतलब हस्बैंड का फेस भी नहीं देखा है तो ये तो बड़ी पुरानी राजस्थानी परंपराएं हैं. आज के युग में इन पुरानी घिसी पिटी मान्यताओं को, परंपराओं को कोई नहीं मानता. आप भी अपने विचारों को सकारात्मक करते हुए अपनी बच्ची का भला सोचिए, उसका विवाह कीजिए जिससे कि उसको एक सुखद जिंदगी, वैवाहिक जिंदगी का एहसास हो और वो सुखी रहे. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके मन में जो ये कुंठा चली आ रही थी एटलीस्ट आपने उसको अपने मन से निकाला, हमारे तक उसको भेजा. हमने डॉक्टर साहब से उसके बारे में डिस्कस किया और आपके माता पिता के लिए भी डॉक्टर साहब ने एक मैसेज दिया है. धन्यवाद बहुत बहुत आपके ईमेल के लिए. डॉक्टर साहब ये दूसरा ईमेल है, लिखते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने बाजार से व्याग्रा तथा अन्य शक्तिवर्धक जो दवाएं उपलब्ध हैं उसका इस्तेमाल किया है. उसके कारण मेरे को काफी सारे सिम्टम्स उभरे हैं, उल्टी आती है, पैरों में सूजन आती है और अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे हार्ट और किडनी जो है उसमें खराबी आ गई. एक बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इनको सलाह देना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिसिन मार्केट से परचेज नहीं करनी चाहिए. रीजन के मार्केट की दवाइयों में तरह तरह के मादक द्रव्य, उनके अंदर काफी विषाक्त चीजें मिली होती हैं. तो क्वेश्चन इज दिस के मतलब यदि आप इस प्रकार की शक्तिवर्धक दवाइयों के नाम पे आप जहर अपने अंदर अगर उड़ेल रहे हैं तो आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए. और आप यदि किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं, किसी क्वालिफाइड एक्सपर्ट, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसकी भी चूंकि अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपनी एक इमेज है, लिहाजा वो पूरा आपके साथ में एक न्याय करने की कोशिश करेगा. आपको वो दवाइयां देगा जिससे उसके नेम एंड फेम में कभी कोई कमी ना हो और आप बिल्कुल ठीक हो जाए. जी हाँ, आजकल सेक्स पावर बढ़ाने के लिए OTC यानी ओवर द काउंटर बहुत सारे टेबलेट्स और दवाएं हैं. कभी भी इनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप मत लीजिए. जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि कितना हानिकारक हो सकता है उसका यूज, और इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे. एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज. इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-0444. इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com. यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-444. आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां है हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब,
इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हाँ, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूँ यही है। डॉक्टर एस के जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचा। इसी सपने का एक हकीकत रूप है सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर एस के जैन की देखरेख में यहाँ उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर एस के जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एस के जैन की क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एस के जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज, जहां हम चर्चा कर रहे हैं सेक्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में डॉक्टर एस के जैन साहब के साथ। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि खुद से जो OTC दवाएं हैं ये लोग ले लेते हैं, ये बताइए कि दवाएं जो हैं ओवर द काउंटर ये कैसे अलाउड हो जाती हैं, जो कि आपने बताया कि कितनी हानिकारक हैं। अब इस विषय में मैं एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, तो इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि मतलब जो भी ये दवाएं कारखाने से निकलती हैं, तो सपोज कीजिए अगर उनकी कीमत एक डिब्बे की मात्र 2 रुपए है तो मार्केट में जाके 200 रुपए का बिकता है, क्योंकि उसमें स्टॉकिस्ट का जितनी भी CNF है वगैरह वगैरह निकलते निकलते जब वो रिटेलर के पास जाती है तो मैं समझता हूँ जितनी की दवा नहीं होती उससे ज्यादा कमीशन तो उन पर्टिकुलर मतलब शॉपकीपर्स का होता है जो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो आपके अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्रकार से मार्केट की शक्तिवर्धक दवाइयां, अखबारों में तमाम विज्ञापन होते हैं, ये गन वो गन, ये 47 वो जस्ट लाइक दैट, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम। तो यह है कि आप इनसे अवेयर रहिए, इनसे सावधान रहिए और अपने को बिल्कुल सुरक्षित रखिए, और अमूमन इन चीजों से जहां तक आप बचेंगे बहुत अच्छा है। और यदि भाई दीबे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है आप उसके प्रॉपर एक्सपर्ट से जाके मिलिए, वो यदि आपको सलाह देता है तो आप मार्केट से दवाइयां परचेज करके बेशक खा सकते हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी हार्म करने वाली चीज को नहीं लिखेगा। और डॉक्टर साहब, अगर आपकी बात करें तो हमने देखा कि आपके यहाँ तो कारखाने में खुद ही दवाएं निर्मित होती हैं, तो आपका क्या है विचार, आप अपनी दवाएं खुद ही देते हैं या बाजार की दवाएं भी प्रिस्क्राइब करते हैं? असम साहब, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है।
ये दवाइयां हमारे यहाँ हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से यानी कि सन 26 से बराबर अपने कारखाने में बनती चली आ रही हैं, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तकरीबन 2009 में मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इसके बाद मेरे साहबजादे हैं डॉक्टर श्रेयांश जैन जो MBBS MD हैं और लखनऊ क्लिनिक के वही हेड हैं, उनके साथ में बेशक और भी कई उनके असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं जो पूरी तरीके से देखते हैं समझते हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सन 26 से वो आजमाई हुई कामयाब सक्सेसफुल और टू दी पॉइंट दवाएं हैं जो हजारों मरीजों पे आजमाई हुई हैं, कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, काम करती हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और लोगों की समस्या का समाधान करते रहिए। एक ईमेल ले लेते हैं डॉक्टर साहब, लिखते हैं मेरी उम्र 22 साल है, मैं जब भी किसी लड़की को देखता हूं तो मेरे लिंग से वीर्य निकल जाता है, इसका कोई उपाय है? विद्वानों ने कहा है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम और तृतीय नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। से आपको अपने विद्या के अध्ययन में गौर करना चाहिए, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आपके माता पिता आपको देख के खुश हों कि मेरा लड़का IAS अफसर है, मेरा लड़का PCS अफसर है, मेरा लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है। और यदि आपके मन में कामुक विचार हैं तो बट नेचुरल है कि पेशाब के साथ में इस तरीके से वीर्य पास ऑन होना शुरू हो जाता है और इस बीमारी को स्पर्मेटोरिया बोलते हैं। इसको कभी भी लापरवाही में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आगे चल के मेंटल वीकनेस, जनरल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस जैसे केसेज आते हैं, और यदि बाई दिवे इसको थोड़ा ध्यान देके इलाज किया जाएगा तो ये चीज ठीक हो जाती है, फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। डॉक्टर, इसका इलाज क्या आयुर्वेद में है? आयुर्वेद से इलाज करते हैं या आप एलोपैथ से? देखिए ऐसा है कि चूंकि मैंने अपनी जो चिकित्सा की डिग्री है वो आयुर्वेद में भी ली है और एलोपैथ में भी ली है लखनऊ विश्वविद्यालय से, वो मैं समझता हूं कि आप लोग उसे जानते हैं देखते हैं। तो लिहाजा ये है कि मैंने ये चीज देखी है, मेरे साहबजादे जो बड़े वाले हैं डॉक्टर श्रेयांश जैन, वो खुद MBBS डॉक्टर हैं, और जब मैंने उनसे कंसल्ट किया इसके बारे में तो ही हैज टोल्ड के पापा जी हमारे एलोपैथिक में तो कोई दवाएं है नहीं है, जबकि आयुर्वेद में आपने पूछा इसका इलाज है, इसी का इलाज नहीं है बल्कि सारे मतलब जितनी भी ये सेक्सुअल वीकनेस का मतलब एक हुजूम है इन सभी का बहुत ही सही बेहतर इलाज है। और जहां तक मैं समझता हूं इस पैथी के अलावा अन्य पैथी में भी इलाज हैं, होंगे, जरूर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन आदमी को आयुर्वेद पैथी से ही होता है, बशर्ते कि दवाइयां कामयाब होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक अगला ईमेल ले लेते हैं, लिखते हैं कि सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी कभी संबंध स्थापित करता हूँ, लेकिन वह कुछ समय से मुझसे रोज संबंध बनाना चाहती है जबकि मैं पहले की तरह से सेक्स नहीं कर पाता। और आगे लिखते हैं कि मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, क्या रोज संबंध बनाने से कोई हानि है? इनकी प्रॉब्लम बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, और हाल फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि यदि हिम्मत है दुनिया से बगावत कर ले, यदि हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर ले, अरे वरना माँ बाप जहां कहें वहां शादी कर ले, बजाय इसके कि आप आज ये गर्लफ्रेंड से कर रहे हैं फिर एंजॉयमेंट अपना किसी और के साथ में करेंगे। बाय द वे कोई अगर आपको इन्फेक्टेड पार्टनर कभी मिल गया तो ये एड्स या HIV जैसी बीमारियां यहीं से गले लगती हैं, लिहाजा इनसे आप अवेयर रहिए, सावधान रहिए। और यदि आप उसे डेली संबंध बनाने की पहले भी कोशिश करते रहे होंगे जिसकी वजह से अब उसकी इच्छाएं हुई, अब जब उसकी इच्छा है तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आप अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो वाई यू शुड नॉट मतलब यू गो टू एनी एक्सपर्ट। ओके, अगर आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे उसे प्रॉपर वे में इसके बारे में काउंसलिंग करेंगे, वो आपको बताएगा क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, क्या इसमें मतलब ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट करना भी या नहीं करना है, लेकिन वो आपसे पूरी बात करेगा, आप उसे अपनी बात को शेयर कीजिए, और यदि आप शेयर करेंगे तभी तो वो आपकी केयर करेगा। जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही शायराना अंदाज में आपने इसका जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपने इस चर्चा के दौरान डॉक्टर साहब के बारे में जाना, डॉक्टर साहब के जो चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में जाना, आइए और जानते हैं डॉक्टर SK जैन साहब के बारे में। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही है, आरज़ूएं बेकाबू हो रही है, तब कहाँ हैं हम, कहाँ हैं हमारे सपने, कहाँ है हमारी सेहत? ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, हम सबकी है। इस तलाश में मंजिलें कम, भटकाव ज्यादा हैं।
तो कैसे मिले मंजिलों का पता, कैसे संवारें इस जिंदगी को, कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को। जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर एस के जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस के जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। तमाशबीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने डॉक्टर एस के जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम। सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में, जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए यह है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है, तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है, ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से। सबसे ज्यादा गलत फहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम, जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है, और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिए, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एस के जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है
बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935109999 और 09935562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444। तो दर्शकों, आप रूबरू हुए डॉक्टर एस के जैन साहब के 40 साल के सक्सेसफुल कैरियर से। और अब जाने से पहले डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अनेकों मेल आ रहे हैं जिसमें आपके जो अंदाजे बयां हैं उसकी भरपूर तारीफ कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब के अंदाज से आधी बीमारी तो यूं छू मंतर हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसका राज क्या है? देखिए, ऐसा है कि इसका सीक्रेट कुछ भी नहीं है। मेरे जो जिन्होंने मुझे मेडिसिन पढ़ाई, उन गुरुदेव का नाम है श्री एडी शर्मा जी, तो वो अक्सर जब हम लोग मेडिकल के फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में हुआ करते थे तो वो अक्सर कहते थे कि सबसे पहले तो मरीज को आप हौसला दीजिए, हैं, उसको समझाइए, उसे कहिए कोई खास बात नहीं है। और यह है कि कुछ एक आध उसको मतलब जो वो बूस्टअप करने के लिए कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल का खाक जिया करते हैं, या उसको इस तरह कहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बगैर झंझावात के नौका पार नहीं होती। तो कहें जब आप उसको साइकिक तौर पे, मानसिक तौर पे उसके साथ जुड़ेंगे, उसे समझाएंगे, तो उसकी आधी परेशानी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। तो यह है कि मरीजों को अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। और दर्शक इसी प्रकार से सकारात्मक सोच बना के आगे बढ़ते रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी कामना है। और डॉक्टर साहब, हमारी भी यही शुभकामना है कि आप तो तरक्की के इस रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने मसरूफ शेड्यूल से इतना कीमती वक्त हमारे इस कार्यक्रम के निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही रेपुटेड चैनल है जिसमें हेल्थ से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। लिहाजा इस चैनल से, स्ट्रीम रेपुटेड चैनल से, जब मेरे पास में ऑफर आया कि डॉक्टर साहब आप सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में आंसर दीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक जनहित में कार्य है। यदि हमारे ऑडियंस को, यदि हमारे दर्शकों को एक नई दिशा मिलती है, नई सोच मिलती है, वो पुरानी भ्रांतियों से निकल के एक अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। डॉक्टर, हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने हमारे निमंत्रण को कबूल किया और आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल के अगले एपिसोड में डॉक्टर एस के जैन साहब के इसी अंदाज के साथ और आपकी और समस्याओं के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है। बर्लिंगटन क्लिनिक
याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल। जीवन की फिर एक नई शुरुआत, डॉक्टर एस के जैन।